फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आस्था फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैंने कल ब्लॉग जो एंड किया था, यहीं से मैंने फिर से शुरू किया। और यहाँ पे मैं प्रेम मंदिर में करूँगी एंट्री। तो यहाँ पे जो है ये मेन गेट, यहाँ से जाऊँगी, क्योंकि कल मैंने नहीं किया था उसमें शेयर ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो रहा था, इसलिए अंदर एंट्री कर चुकी और आप लोग देख ना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको। इतना प्यारा, इतना अच्छा नज़ारा था, देखते बन रहा था, ये बहुत अच्छा नज़ारा था। तो यहाँ से मैं जा रही थी मंदिर में, तो यहाँ जो आसपास पार्क थे, बड़ा खूबसूरत नज़ारा था। जो आए हैं प्रेम मंदिर उन लोगों को पता होगा, और जो नहीं आए तो वो भी देख लें। पूरा पूरा मैंने शूट किया है और अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को पसंद जरूर आएगा। तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं, ये प्रेम मंदिर है। ये आप लोगों को यहाँ के दर्शन कराऊंगी, अंदर देखूं अलाउ है या नहीं। पैरों में इतना दर्द है क्योंकि और चारों वृंदावन के किए पैकर में, तो इतना पैरों में दर्द हो रहा है। गिरिराज जी तो पहुँचे नहीं, वहाँ के भी करने हैं, पैर तो नहीं चल पा रहे। कोशिश करूंगी कि वहाँ यहाँ तक आए तो वहाँ पे भी लगाऊँ पैर में, दिक्कत होगी पैर में चलने से। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिलता है सच में। पहले हम लोग घूमे, वीडियो बनाए, फोटोशूट की, उसके बाद मंदिर में एंट्री की थी। और मंदिर में भी जाके इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा, लेकिन अंदर अलाउ ज़्यादा नहीं था वीडियो बनाना, तो चुपचाप थोड़ा बहुत मैंने बनाया है, तो आप लोग ज़रूर देखना पूरा। निकल जाएंगे हम, तुम रह जाएंगे। अच्छा जो है सारा प्रेम मंदिर घुमा दिया। बहुत खूबसूरत नज़ारा था, बहुत अच्छा। वृंदावन में और मथुरा में जो मंदिर बने हैं पहले से, वो तो हैं ही अच्छे, लेकिन जो नए सिरे से बन रहे हैं तो खूबसूरत नज़ारा इतना प्यारा लगता है। आप लोग जरूर जाएं प्रेम मंदिर, जब मथुरा वृंदावन जाए तो मंदिर पर जरूर आए। शाम को बहुत अच्छा लगा, चार बजे गए थे मंदिर घूमते घूमते, चार बजे वहाँ पहुँचे थे, दो ढाई घंटे रुके थे। भीड़ काफ़ी हो गई थी शाम को, लेकिन रात में बहुत अच्छा लगता है, वो खूबसूरती बहुत प्यारी लगती है। लेकिन हम लोग फिर दूसरी जगह गए थे, तो वहाँ का मैं अगले उसमें दिखाऊँगी वीडियो, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा था, तो इसलिए मैं अलग अलग शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ पूरा। और ये आसपास घूमा, थोड़ा ही घूमा था, काफ़ी जगह थी, तो उसके बाद मैं घूमूंगी, पहले प्रेम मंदिर के अंदर जाऊंगी। तो नीचे तो मैंने अच्छे से वीडियो पूरा बना लिया था, अंदर हो गए इंटर, और मैं थी और मेरी बहन, और लोग तो इधर उधर घूम रहे थे, साथ में कोई नहीं।
इधर उधर हो गए थे, सब अपने अपने उसमें सब देख रहे थे। तो हम लोग दोनों, मैं और मेरी बहन और उसके बच्चे अंदर आ गए थे। ये लोग पार्क में थे, मेरी दादी चाची और उसका हस्बैंड, बहन का, मेरे पति, बच्चे तो मेरे नहीं गए थे। तो ये नीचे का है, पूरा पैकर्मा लगाया है मैंने और वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पे तो कोई मना नहीं कर रहा था, ये फ़ोटो खींच रही थी अपनी। तो नीचे का ये पूरा नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत बना है, बहुत अच्छा लग रहा था। और जो गए उन्हें पता होगा, इतना प्यारा लग रहा था बहुत। कैमरे में इतना कैद नहीं हो पाया क्योंकि काफ़ी कट भी किया, इतना क्या मैं इसमें आप लोगों को दिखाती। तो जितना वीडियो बना सकी उतना मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। मंदिर नीचे घूम लिया, फिर बैठ गई मैं, ऊपर जाऊंगी, ऊपर दर्शन करूंगी। तो ये लोग को फ़ोन किया तो आ रहे थे, तब तक हम लोगों ने वीडियो बनाया। और यहाँ पे मैं अब ऊपर एंटर करूंगी और ऊपर आ गई थी। यहाँ पे ऊपर का है, दूसरे पोर्शन का, फर्स्ट फ्लोर का है ये। तो यहाँ पे भीड़ थी, और आ गई थी बाहर। ये दर्शन दर्शन करने के बाद मैं बाहर का थोड़ा फोटो वोटो हम लोगों ने शूट कराई। उसके बाद ये आ गई थी यहाँ माँ के बिहारी कान्हा जी जो हैं, ये पर्वत उठा के रखे हैं। आसपास गोपी ग्वाल ये सब हैं। आप लोग बने रहें और पूरा वीडियो देखें, खूबसूरत नज़ारा है, बहुत प्यारा लग रहा है ये। और फिर कहीं जगह जगह मन भी होता है कहीं बनाने का, कहीं नहीं होता है फ़ोन निकालने का, क्योंकि बंदर भी बहुत हैं वहाँ। बंदर फ़ोन ले जाते हैं। मेरी दादी का चश्मा ले गए, कई लोगों का चश्मा आँखों में लगा और ले गए, छोड़ गए सामने बैठ के। किसी ने बोला पीला डाल कर किसी ने कुछ भी निकाल लेती हूँ, बंदर ले जाएंगे। लेकिन आप लोगों को मैं कैसे दिखाती, तो वीडियो भी बनाना ज़रूरी था। कहीं कहीं बनाया, कहीं कहीं नहीं बनाया। और आप लोग ये खूबसूरत नज़ारा है आप लोग को मैं दिखा रही, आप लोग देखना। बड़ी मेहनत में बनाया, बना भी रही है, वो नहीं हो रहा, जरूर देखें। था बड़ा प्रेम मंदिर, मैंने चारों तरफ का के आप लोगों को दर्शन कराए। और खूबसूरती आप लोग देख सकते हैं, बयां नहीं कर सकते, इतना प्यारा लग रहा था। सच में कैमरे में इतना कैद नहीं हुआ और कैमरे से रियल में इतना खूबसूरत लग रहा था, कैमरे में इतना कैप्चर नहीं हो पाता है पूरा जो है ये, आप लोग देख सकते हैं। और यही है, उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को पसंद आएगा अपने लिया। Thank you.
प्रेम मंदिर में कम से कम 2-2.5 घंटे हम लोग रहे। शाम हो गई थी और भीड़ आप लोग देख सकते हैं, रात में बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। रात में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतना टाइम नहीं था मुझे, और मंदिर में भी जाना था। वैष्णो देवी मंदिर इससे भी खूबसूरत लगा मुझे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वहाँ का भी वीडियो बनाया है। यहीं तक का था, इंटर कर रही थी, अब मैं जा रही थी। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को पसंद आएगा। जो भी चैनल पर आती है न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूंगी एक अच्छे से नए से वीडियो के साथ, तब तक लिए।